क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। कह रहा है कि टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से दो पत्ते यदृच्छा निकाले गए, उनमें से एक, कह रहा है कि फर्स्ट कार्ड इज एस एंड सेकेंड इज स्पेड। कह रहा है पहला क्या हो इक्का और दूसरा क्या हो हुकुम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिएगा भाई टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक तो हो जाएगी एनी, दूसरा क्या हो जाएगा भाई किसी घटना की प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रथम पत्ता इक्का और दूसरा क्या हो हुकुम का पत्ता, तो एनी बटे एनएस हो जाएंगे। देखिए एनएस कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52 पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं तो 52C2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 52C2। अच्छा देखिएगा यहाँ पे एक इक्का, इक्का कितने होते हैं चार, तो कितना हो जाएगा ये 4C1 हो जाएगा इनटू हुकुम कितने होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं लेकिन चूंकि एक इक्का निकल चुका है उससे तो अब हुकुम के पास कितने पत्ता बचा है 12, 12 से एक निकाला जाएगा, है ना। पहले क्या हुआ हमने इक्का निकाला, हमने क्या किया एस निकाला, तो चार पत्ते होते हैं जो इक्का होते हैं, है ना, तो 4C1 हो गया। चूंकि हुकुम के पास भी एक इक्का होता तब हुकुम का एक एक इक्का जो निकल चुका पहले ही, तब हुकुम के पास 12 पत्ते बचे, 12 में से एक निकालेंगे तो ये दोनों पत्ते हमारे सेलेक्ट हो गए, ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया जिसमें एक पत्ता इक्का है दूसरा क्या है हुकुम का है, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12, नीचे कितना आ जाएगा 52, 52 दो बार बैठ जाएंगे, 52 गुड़े हो जाएगा 51 और नीचे 2 गुड़े 1 ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 गुड़े 1, है ना। काट दिया जाए भाई, काटते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है 13 आ जाएगा, और उसके बाद 3 से काट दिया जाए 3 चौक 12 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, 4 दूनी ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 17 और 21 का गुणा करेंगे, 17 और 13 का गुणा करेंगे 221 आ जाएगा, यानी कि 8/221 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।